दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मानसून के रुखसत होने से पहले जोरदार बारिश ने शुक्रवार को भी जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। दिल्ली NCR में जगह जगह जलभराव की समस्या देखने को मिली। खासकर साकेत मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में वाहन डूब गए। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि रविवार को बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना कम है। तापमान की बात करें तो दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं रविवार को तापमान थोड़ा बढ़कर 33 डिग्री हो सकता है। दिल्ली में इस बार मानसून ने जमकर बारिश करवाई है। सितंबर के 13 दिनों में ही 125.8 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो इस महीने की सामान्य सीमा से अधिक है। राजधानी में जुलाई से लेकर अब तक सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिसमें मानसून का कोटा समय से पहले पूरा हो गया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून की वापसी से पहले और बारिश हो सकती है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी जोरदार बारिश के कारण सड़कों और घरों में पानी भर गया, इससे लोग काफी परेशान नजर आए। शनिवार और रविवार को इन इलाकों में हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। गाजियाबाद में शनिवार को तापमान अधिकतम 30 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं नोएडा में रविवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण कई मकान गिर गए, जिससे लोगों की जान गई। मैनपुरी में दीवार गिरने से 2 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण फसलें भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, जिससे किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आगरा में ताजमहल के मुख्य गुंबद से भी पानी टपकने की खबर आई है, जिससे पुरातत्व विभाग ने त्वरित मरम्मत के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में वीकेंड पर मौसम में सुधार की उम्मीद है। लखनऊ में शनिवार और रविवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तापमान 34 से 35 डिग्री के बीच रहेगा। आगरा और अलीगढ़ में भी आंशिक बारिश की संभावना है। वहीं बरेली में भी हल्की बारिश हो सकती है।